यह है चिंतारण महादेव, चिंतारण घाट। पहले मैंने गोकुल गए थे, उसके बाद राम ने थे, उसके बाद चौरासी खंबा, उसके बाद ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट के बाद ये चिंतारण घाट है। इस घाट को चिंतारण क्यों कहा जाता? चिंतारण यहाँ जब कन्हैया जी का जन्म हुआ था, हाँ? तो जसोदा मैया के कहते भोले बाबा आए। अच्छा। भोले बाबा आए तो जसोदा मैया की मतलब चिंता पड़ गई जसोदा मैया, क्योंकि ब्रह्मांड दिखायो वन की ये क्या हुआ, वन के अब क्या होना चाहिए। जसोदा मैया थे कई वन के एक बाबा आयो का वही कर गई जाके संग, जहाँ पर कोई जादू टोना बाबा कर गए वन की, तो तुम मैया जा। तो मैया जसोदा अपने कन्हैया लेके आई है, आके नहीं वन दर्शन करिए वन की, बाबा मेरी लाला का। अरे मैया तीर लाला तो अपनो बता रही है जी, लाला तो संसार को पालन हारे, जा मैं दर्शन कर भी आयो, मुझे दर्शन मिल गए और तेरी चिंता सब पूरी दूर हो जाएगा। जाते चिंतेश्वर महादेव जाकर राधे राधे, तब से ये जगह का नाम हुआ चिंतारण घाट। यही घाट है जिधर जसोदा मैया ने चिंता दूर किया है। राधे राधे। आपने सुना है चिंतारण घाट के नाम कैसे हुआ है? आप कभी मथुरा आए तो एक बार जरूर चिंतारण घाट में आइए, वहां से ऑटो मिलता है, वो गोकुल भी दर्शन कराएगा, राधा रमन भी दर्शन कराएगा, उसके बाद चौरासी खंबा का जो नंद बाबा जी घर है वो भी दर्शन कराएगा। दर्शन कराने के बाद आपको आएगा लास्ट में चिंतारण घाट, ब्रह्मांड घाट बाद चिंतारण घाट आएगा। ये 11 बजे बंद हो जाता है, ये ध्यान रखना, नहीं तो दर्शन नहीं मिलेगा। राधा रानी के कृपा बिना ये नहीं दर्शन कर सकता। यहाँ का सबका मंदिर ज्यादा से ज्यादा 11 से 12 बजे तक बंद हो जाता है। बस यही पे समाप्त कर रहा हूं चिंतारण घाट की ये वीडियो। राधे राधे।